अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद प्रांतीय सम्मेलन 25 दिसंबर को नूतन कला निकेतन में आयोजित। सर्व आदिवासी समाज के जिलाध्यक्ष इंजीनियर भुवन सिंह कोराम ने बताया कि आगामी 25 दिसंबर को नगर के नूतन कला निकेतन सभागार में राष्ट्रीय कार्यकारिणी अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद का प्रांतीय सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें 18 प्रांत के प्रतिनिधियों के साथ ही प्रदेश के 36 जिलों से प्रतिनिधि शामिल होंगे। उन्होंने गुरुवार को प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि प्रांतीय सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनगणना के प्रपत्र में अलग से कालम होता था, जिसे हटा दिया गया है, जिसे पुनः जनगणना के प्रपत्र में शामिल करने सहित मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लागू किए गए पेशा एक्ट की खामियों, वनाधिकार एट्रोसिटी एक्ट सहित अन्य आदिवासियों से जुड़े मुद्दों पर प्रांतीय अधिवेशन में चर्चा की जाएगी। जो 25 दिसंबर के दिन है, ये प्रांतीय अधिवेशन किया जा रहा है और इसमें हमारी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, जो अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद है, जिसका मुख्य जो उद्देश्य है वो है भारतीय जो जनगणना है, उस जनगणना प्रपत्र में अलग से धर्म जो कॉलम है, उसमें अलग कॉलम जो हटा दिया गया है, उस कॉलम को पुनः स्थापित करने के लिए मुख्य उद्देश्य से ये कार्यक्रम हो रहा है। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में अभी पैसा एक्ट ड्राफ्ट किया गया है, जिसमें किसी भी आदिवासी मंत्रणा परिषद या फिर किसी भी आदिवासी जो विधायक गण विधानसभा के होते हैं, उन लोगों को शामिल नहीं किया गया है। ये एक कहना चाहिए गुपचुप रूप से उसको ड्राफ्ट किया गया है, जिसमें जो 1996 में जो दिलीप सिंह भूरिया जी ने का जो ड्राफ्ट था, उसकी मूल भावना को ख़त्म कर दी गई है और सरकार ने सारे जो उसमें कमांड है वो अपनी ओर ले ली है।